देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन चैप्टर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे थ्री मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो फाइनल पेपर्स में जैसे प्रोसेस थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसे ही प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे प्रोसेस थी माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन ऐसे ही प्रोसेस है मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर्स भी बनते थे मियोसिस से पोलन मदर सेल से और मेगा स्पोर्स भी बनेंगे मियोसिस से मेगा स्पोर मदर सेल से सो यही हमें पॉइंट्स में लिखना है आगे मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ कि जब हमने इस तरह से कार्पल को समझा था ये कार्पल ये ओवरी इसका ट्रां इसको यहाँ पे हमने देखा था ध्यान से ये प्लेसेंटा और ये ओव्यूल सो so ये क्या है स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल ये क्या है ओवरी ओवरी में ये क्या है प्लेसेंटा ये क्या है फ्यूनिकल ये पॉइंट क्या है हाइलम ये क्या है ओव्यूल अब ओव्यूल का डायग्राम बना के देखा था तो हमने इस तरह से बना लिया था ये ठीक ये ओव्यूल हो गया ये ओव्यूल आ गया इस तरह से अब ओव्यूल में क्या होता है हमने ये क्या इसकी लेबलिंग क्या करी थी आउटर इंटेग्यूमेंट ये वाली इनर इंटेग्यूमेंट ये वाला न्यूसिलस ये एम्ब्रियोसैक दिस इज फ्यूनिकल दिस इज हाइलम दिस इज चैलेजल पोल दिस इज़ माइक्रोपाइलर पोल एंड दिस इज माइक्रोपाइल ये कुछ लेबलिंग्स करी थी हमने अब ये जो एम्ब्रियोसेक है ना हमें इसको देखना है डिटेल में अब एम्ब्रियोसेक क्या था कि एक्चुअल में न ये एम्ब्रियोसेक ऐसे एकदम से डेवलप होया वो नहीं होता इसमें क्या होता है कि यहाँ पर यह सेल्स प्रजेंट होती हैं इस तरह से ये सेल्स हैं सारी कैसी सेल्स हैं ये न्यूसिलस की सेल्स हैं दीज आर दी सेल्स ऑफ न्यूसिलस हेयर न्यूसिलस एक्ट्स एज न्यूट्रिटिव टिश्यू न्यूसिलस मीन्स क्या है न्यूसिलस इज दी न्यूट्रेटिव टिश्यू जैसे टेप्टम होती है ना पोलन ग्रेन में स्पोरेंजियम में एंथर की वॉल लेयर होती है टेप्टम इनर मोस्ट लेयर टेप्टम ऐसे ही यहाँ पे न्यूसिलस है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है और इसी की एक सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन माइक्रोपाइलर रीजन की कोई एक सेल सारी सेल्स नहीं बेसिक डिफरेंसेस हैं कुछ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का भी क्वेश्चन बन सकता है थ्री मार्क्स में कंटेंट सेम रहेगा क्वेश्चन अनलिमिटेड हैं अच्छा देखो अब <clears throat> पोलन ग्रेन्स बनते टाइम स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल पोटेंशियल पोलन मदर सेल थी लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई एक सेल माइक्रोपाइलर रीजन की कोई एक सेल बनेगी मेगा स्पोर मदर सेल मान लीजिए यही सेल है दिस इज मेगा स्पोर मदर सेल अब मैं सबको रब करता हूँ सबको रब अब मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको ठीक अब ये ओव्यूल आप समझ लीजिए ऐसे बन रहा है ये ओव्यूल अब इधर है थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं और देखते हैं यहां पर यह स्ट्रक्चर आ रही थी ना ऐसे ये हमने इस तरह से बना लिया इसको ये ओव्यूल है अब यहां पे एक सेल है ये जो कि माइक्रो पाइलर रीजन की तरफ है अब यह सेल क्या करेगी ये सेल डिवाइड करेगी और चार मियोसिस प्रोड्यूस मियोसिस से चार सेल्स प्रोड्यूस कर देगी हम ये बना लेते हैं चार सेल्स एक, दो तीन और चार अब ये चारों क्या है दीज आर दी फोर मेगा स्पोर्स ये फोर मेगा स्पोर हैं इनमें से ये तीन डी जनरेट कर जाएंगे एक रह जाएगा चैलजल पोल की तरफ वाला एक रह जाएगा दिस इज फंक्शनल नाउ दिस इज़ फंक्शनल क्या देखा हमने एक है मेगा स्पोर मदर सेल ठीक इससे चार बन गए क्या मेगास्पोर फोर मेगास्पोर ये कहाँ की थी माइक्रोपाइलर रीजन की माइक्रोपाइलर रीजन की ठीक ये तीन डी कर गए ये बची फंक्शनल मेगास्पोर बचा दिस इज नाउ फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ का चैलेंजल रीजन का बात आई समझ उसके बाद अब इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे दो सेल दो न्यूक्लियस फिर ये चार बना देंगे फिर ये आठ बना देंगे आठ न्यूक्लियस हो गए आठ न्यूक्लियस के बाद इसमें सेवन सेल्स आती हैं एट न्यूक्लियस हो गए एट न्यूक्लियस के बाद इसमें एट न्यूक्लियस और सेवन सेवन सेल आती है वो एम्रियोसेक की फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ तक यहां तक हमारा ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस क्योंकि मेगा स्पोर बनना है फंक्शनल मेगा स्पोर तक हम ले आए उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक उसमें करेंगे हम इस फंक्शनल मेगा स्पोर से एट न्यूक्लिएट सेवन सेल फंक् एम्ब्रियोसेक का बनना वो कैसे होता है उसमें पॉइंट्स लिखेंगे एक्सप्लेन मैं पहले भी कर चुका हूँ एक्सप्लेन रफली मैंने अब भी कर दिया लेकिन अब इनको पॉइंट्स में लिख लेते हैं हम एमर्रियोसैक का भी अभी कर दिया मैंने लेकिन अगले वीडियो में दोबारा कर लेंगे एम्रियोसेक फॉर्मेशन सो अभी यहां तक यहां तक की जो प्रोसेस है इसको पॉइंट्स में लिखना है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में आपको पॉइंट्स में लिखना है आंसर समझा तो दिया मैंने कंसेप्ट First point It is process of it is process of formation of मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एम एम सी ध्यान रखना माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल कहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट भी पी से करते हैं एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल को पीएमसी से रिप्रेजेंट करते हैं मीन्स पोलन मदर सेल सो so एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स का बनना थ्रू मियोसिस थ्रू मीओसिस इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या सभी सेल्स न्यूसिलस की बनाती हैं नहीं कौन सी सेल्स बनाती हैं न्यूसिलस की कई पॉइंट्स आते हैं जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये कहाँ की सेल है सबसे पहली बात इंटेगमेंट्स की है या न्यूसिलस की है कहाँ की सेल है ये न्यूसिलस की सेल है क्या सभी सेल बनाएंगी नहीं कौन सी सेल बनाएगी टुआर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन है ना पॉइंट्स है ना अंडरस्टैंड करने वाले वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसिलस वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसिलस कहा की टुआर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन की टुअर्ड्स one of the cells of nucellus towards micropylar region becomes megaspore mother cell. एंड परफॉर्म्स मियोसिस क्लियर एक पॉइंट समझ में आया परफॉर्म्स मियोसिस एंड प्रोड्यूसिस फॉर मेगा स्पोर्ट्स यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं इसको पॉइंट को अलग पॉइंट नहीं बनाते एंड produces four मेगा स्पोर्ट्स जो जो भी मैंने यहाँ पे तीन स्टेप लिखे थे ना दो एरो थे बस और तीन स्टेप थे इतने में ये लाइन आ रही है अभी देखो एक लाइन और लिखते हैं चार बन गए तीन डिजनरेट कर जाएंगे एक रह जाएगा वो फंक्शनल है उससे आगे एम्ब्रोसैक बनेगा तो ये भी मैंशन करना जरूरी है out of 4 megaspores 3 degenerate out of 4 megaspores 3 degenerate and one remains functional वन रिमेन फंक्शनल एंड प्रोड्यूस सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक मैंने पिछली वीडियो में गलती कर रखी है ध्यान देना सैक का मतलब है फीमेल गैमिटोफाइट और ओव्यूल का मतलब है मेगास्पोरेंजियम मैं यहां पे लिख देता हूं ओव्यूल का मतलब है मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक का मतलब है फीमेल गैमिटोफाइट अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ